नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। जयपुर में इस वक्त बारिश का दौर जारी है और राजस्थान के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आज भी जयपुर के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब ये बारिश जानलेवा साबित हो रही है। पिछले कुछ दिनों बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया और 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भी ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं इस पर, वो तो आप देख ही रहे हैं कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी जयपुर के निवारू रोड पर है और यहाँ आप मेरे पीछे ये पानी से भरा हुआ तालाब, मैं कहूँ अगर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, इस पानी की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तैयारियां नहीं है, प्रशासन इस पर काम नहीं कर रहा है। नाले हैं वो भरे पड़े हुए हैं, उनकी कोई सफाई नहीं की जा रही है, ट्रैफिक जाम आए दिन यहाँ होता रहता है। अब यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हम करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पानी से भरे तालाब की वजह से उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ मेरे साथ एक स्थानीय दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं, लोगों को इस बारिश से भरे हुए पानी में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काका, ये पानी हमेशा इसी तरीके से भरा रहता है जब भी बारिश आती है? इसी तरीके से, ये मैं तो देख रही हूँ कि अभी मैं आई तो घुटने तक पानी भरा हुआ है, क्या इससे भी ऊपर ये पानी भरता है? हाँ जी, पानी भरता साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश। तो नितेश, मुझे ये बताएं कि यहाँ बारिश, थोड़ी सी बारिश में इतना पानी भर रहा है? थोड़ी सी बारिश नहीं मैडम, ये तो बहुत कम बारिश है। इसके ट्रैक्टर से पानी निकाल दिया, 4 साल होगी, 4 साल जितना ही पानी रहता है। कल परसों स्कूल का बच्चा दब गया, यहाँ पर खड्डा हो रखा बहुत गहरा, वो बेरियल लगा रखा हमने, लगाया वो बेरियल, उस बच्चे को किसी ने हाथ में लगाया, दबा रहा कम से कम 10-15 मिनट तक। यहाँ पर हम लोग भग के आए होटल से, तब निकाला उस बच्चे को। ये बैरियर भी जो यहाँ मैं देख रही हूँ कि वो आपने लगाया? यहाँ हमने लगाया, कोई प्रशासन ने नहीं लगाया, हम खींच के लाए उधर से, तब जाके लगाया। पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते? रोज खड़े रहते हैं, वहाँ पे खड़े रहेंगे, सूखे में पानी में एक भी नहीं जाएगा, पानी में कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा किसी प्रकार की, कोई प्रकार का। और उस गड्ढे के अंदर बाइक लेके बंदा भी घुस गया, उसको 5-6 बंदों ने निकाला। न्यूज वाले भी आए थे, उनको बोला था हमने की समस्या यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ, इतना ही पानी, इतना ही, ये रोड खराब रोड है यहाँ पर, कोई साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कंप्लेन की? खूब कंप्लेन कर दी, कितने नेताओं को लिख के भी दे दिया, पार्षदों को भी दे दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद क्या है, पार्षद क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यहाँ के देख रेख के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं रहे? पार्षद तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। मतलब जनता ने उनको चुन के पार्षद बनाया और अब वो जनता की समस्याओं को ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम नहीं सुन रहे हैं वो। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम इस बारिश की पानी की वजह से कितने हद तक हो रहा है? बहुत ज़्यादा मैम, 2-2.5 घंटे से यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है और कोई आता नहीं है उसको खुलवाने के लिए। एक ट्रैफिक वाला एक ही रहता है दिन में और कोई नहीं आता है यहाँ पे। एक ट्रैफिक वाला बंदा उधर खुलवाएगा या इधर खुलवाएगा, आप बताओ, दोनों तरफ जाम लग जाता है। और स्कूल की छुट्टी होती है तब तो 3-3 घंटे तक लक्ष्मीनगर तक जाम रहता है, इतना जाम लग जा रहा है इस बारिश के पानी की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन एक्टिव नहीं? कोई एक्टिव नहीं है मैम, कोई आता नहीं है पानी में, कोई उतरता नहीं है। यहाँ खड्डे हो रखे हैं दोनों जगह, इधर भी है एक, इधर भी है। यहाँ तो कल परसों कोई बंदा एक गिर भी गया था बाइक को लेके, उसको निकाला है, बाइक अंदर ही रह गई थी। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ निवारू रोड में। कहाँ के रहने वाले हैं? नागल जैसा बोरा। नागल जैसा बोरा के। अच्छा, ये जो पानी यहाँ इस तरीके से मैं देख रही हूँ, इससे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी होती है इससे तो, रोड सड़क। आप लोग बाइक सवार हैं, बाइक सवारों की बाइक तो मैं देख रही हूँ कि जब घुटने तक पानी भर रहा है तो बाइक सवारों की बाइकें यहाँ डूब जा रही हैं। हाँ, रोज। अब आप यहाँ रोड पे चल रहे हैं, यहाँ अंदर गड्ढा है, क्या है आपको कुछ नहीं पता है? नहीं, इसका नहीं पता हमें। यहाँ पे गड्ढे हो रखे बड़े बड़े, बताएं क्या हो रहा है यहाँ? गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े, गड्ढे हो रखे हैं यहाँ बड़े बड़े, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके जानलेवा साबित हो सकता है? जानलेवा, ये बिल्कुल जानलेवा है। जैसा कि मैंने अभी इधर से मैं आई तो मैंने देखा कि अंबे हॉस्पिटल के पास भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है, उधर भी सिविल लाइन के पास पानी से गड्ढा हो गया उधर भी। और जिस तरीके की खबरें मुझे मिली थी कि 10 दिन पहले वो गड्ढा हुआ था, सड़क वहाँ धस गई थी, तो 10 दिन में वहाँ कोई काम नहीं किया गया? अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ऐसे ही खाली पड़ा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी लोगों जुड़ेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद खोरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ
आस पास में कहाँ से रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, निवारू पुलिया के पास। निवारू पुलिया के पास ही रहते हैं। मैं देख रही हूँ ये थोड़ी सी बारिश में ये हाल है। हाँ। तो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ किस तरीके से पानी भरता है? ज़्यादा आ जाएगी तो यहाँ पर सभी परेशान हो जाएंगे और बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है क्योंकि थोड़े से पानी में तो घुटनों तक पानी भर गया है। हाँ। यहाँ के जो नाले हैं उनकी भी सफाई नहीं हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है। बारिश को लेकर कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही? नहीं। बारिश को लेकर के प्रशासन की तैयारियाँ क्या है? प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। यस। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पानी की वजह से? स्थानीय दुकानदार, मोटरसाइकिल, बाइक को, वाहनों को आदि सभी को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और राह चलते राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो हमने जाना कि यहाँ किस प्रकार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ दिन पहले ही स्थानीय लोगों ने बताया कि एक स्कूल का छोटा बच्चा इस बारिश के पानी में गड्ढे में दबा रह गया, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ की वो पुलिस वाले इस पानी में उतर के उस बच्चे को बचाने तक नहीं आए। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से लापरवाह हो रहा है। क्या यही जिम्मेदारी है प्रशासन की? स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के पार्षद भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब जनता ने चुनकर उनको पार्षद बनाया है, जनता की परेशानियों का उनको निवारण करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी पार्षद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन भावेश के साथ मैं खुशबू सिंह, द पीके टाइम्स।